हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फैशन क्रोज। आज हम बॉटनेक कुर्ती की कटिंग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। सबसे पहले हम इसका तीरे का मेजरमेंट लेते हैं। इसका तीरा जो है वो 15.5 इंच है और 15.5 इंच में हम 1.5 इंच इसका हम माइनस करेंगे और इसको डबल करके हम निशान लगाएंगे तो 7.5 इंच पे मार्क करते हैं हम इसका तीरा। उसके बाद ऊपर से हम नीचे इसकी कमर पर जो इसकी जो लेंथ का मेज़रमेंट है वो 14 इंच पे आता है। 14 इंच पे हम मार्क करेंगे कमर का मेज़रमेंट और उसके बाद ये हमने मार्क कर दिया है इसका कमर का मेज़रमेंट। उसके बाद इस ऊपर से नीचे इसकी लेंथ जो है वो इसके हिप पर 21 इंच पे हम मार्क करेंगे और फिर इसका ऊपर से नीचे 10.5 इंच पर इसका जो अपर चेस्ट है वो 10.5 इंच पर मार्क करेंगे। अब हमने जो इसका तीरा निशान लगाया था तीरे का 7.5 पर, ऊपर से नीचे हम 7 इंच पे इसका आर्म होल का निशान लगाएंगे और इधर से हम इसका फ्रंट 6.5 इंच पे हम मार्क लगाएंगे और ऊपर से नीचे हम क्रॉस में लेते हुए इसका आर्म होल का मेज़रमेंट करते हैं। ये हमने इसका आर्म होल का मेज़रमेंट कर लिया है और अब इसके कॉर्नर पे 1/2 इंच का मार्क लगाएंगे और इसकी गुलाई देते हुए इसका आर्म होल का शेप देंगे। ऊपर से नीचे 1/2 इंच का डाउन करेंगे और इसका बॉटनेक गला है तो 5 इंच पे मार्क लगाएंगे और ऊपर से नीचे हमने 1/2 इंच का जो डाउन दिया है उसको हम निशान लगा के क्रॉस पर लाइन मारेंगे। ये देखिए इस तरीके से इसका आर्म होल शेप आ चुका है और अब इसका चेस्ट जो है वो साइज़ के अकॉर्डिंग हम 9 इंच पे मार्क लगाएंगे। ये देखिए अपर और लोअर चेस्ट मिला लेते हैं। उसके बाद इसकी कमर का हम मेज़रमेंट लेंगे जो कि 7 इंच है और अब हम इसके जो पॉइंट्स हैं वो मिला लेते हैं और इसका जो हिप का साइज़ है वो 9 इंच है, 9 पे मार्क करते हैं। मैंने जो कुर्ती की सिंपल कुर्ती कटिंग की भी वीडियो बना रखी है और आपको उसका जो है डिटेल में आई बटन पे देती हूँ, आप उस पर आई बटन पर क्लिक करके उसकी पूरी डिटेल सिंपल कुर्ती कटिंग की देख सकते हैं। ये देखिए मैं अब कटिंग की लाइन जो है ड्रॉ कर रही हूँ कुर्ती पर। ये इसका आर्म होल जो है वही तीरा और आर्म होल ही मेन होता है और वो बाकी जो सिंपल कुर्ती होती है बैक गले के हिसाब से उसका तीरा होता है, उसकी जो नाप होता है, लेकिन बॉटनेक का जो मेज़रमेंट है उसी के हिसाब से इसका तीरा होता है। अब मैं इसका निशान लगाती हूँ 4 इंच पे इसकी लेंथ। ये देखिए 4 इंच और ये इसकी चौड़ाई 5 इंच। अब इसका 1.5 इंच मैं इस पर मार्क लगाती हूँ क्योंकि बॉटनेक की जो गला होता है उसकी गोलाई अलग तरीके से होती है। बोट मींस नाव, वो नाव के हिसाब से उसका शेप दिया जाता है। देखिए बिल्कुल नाव की तरह इसका शेप आ चुका है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बॉटनेक की जो है मैंने कटिंग नहीं की है क्योंकि इसकी कटिंग स्टिचिंग करते वक्त करते हैं तो इसको मैंने छोड़ दिया है। अब हम इसकी कटिंग लाइन पर कटिंग कर देंगे। और इसके हिप पर मैं कट लगाती हूँ छोटा सा। और ये इसकी कुर्ती की कटिंग बॉटनेक की स्टेप बाय स्टेप हमने कर लिए और अब हम इसका जो फ्रंट पीस है तैयार है। अब हम इसको बैक पर रखेंगे। बैक जो है वो थोड़ा सा बड़ा रखेंगे और फ्रंट थोड़ा नीचे की तरफ खिसका कर रखेंगे। ये देखिए वैसे तो नॉर्मल कुर्ती में भी बैक बड़ा रखते हैं लेकिन बॉटनेक में ये बहुत ज़रूरी होता है। मैं 1/2 इंच बड़ा रख रही हूँ बैक इसकी फ्रंट कुर्ती से। ये देखिए और अब हम इसको स्केल से
लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हाफ इंच बड़ा बनाकर। और अब इसका जो आर्म होल है उसको भी मैं हाफ इंच बड़ा मार्क करूँगी। ये देखिए कॉर्नर से ये हाफ इंच बड़ा मार्क होता है और ऊपर से इसका जो होता है साइज़ एक सा रहता है। ये देखिए हाफ इंच है बिल्कुल बड़ा और ऊपर से भी हाफ इंच बड़ा है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। क्योंकि हमने बैक साइड इसका हाफ इंच लंबा रखा है इसलिए इसको हम थोड़ा सा इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रंट का जो पीस है उसकी हम कटिंग कर लेंगे क्योंकि वो लंबा हो गया है थोड़ा फ्रंट बैक साइड से। ये देखिए मैंने अंदाजे से किया है, आप जो है टेप से मार्क लगाकर इसको अच्छे से कटिंग कर सकते हैं। इसकी एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये मैंने इसकी कटिंग कर दी है और ये पट्टी मैं इस पर जोड़ दूंगी स्टिचिंग करते वक्त। अब ये बिल्कुल इक्वल हो चुका है। ये देखिए मेरी जो कुर्ती है बोटनेक कुर्ती बिल्कुल कटिंग के लिए रेडी है। और प्लीज़ अब लाइक करें मेरे वीडियो को ताकि मैं आगे और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए लाऊं, और शेयर और कमेंट्स भी ज़रूर करें। सब्सक्राइब करें मेरे और आपके चैनल फैशन क्रोज को और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो आपको सही समय पर मिलती रहे।